सॉरी बॉस, 7 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब में क्योंकि मेरा जीमेल क्रैश कर गया था। मेरे जीमेल आईडी को रिकवर करने के लिए जीमेल की तरफ से 7 दिन लग गया। सो बॉस, आज मैं एक बॉलीवुड का एक अच्छा सा थ्रिलर सस्पेंस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिस फिल्म का नाम है वध। इस फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने लीड एक्टिंग कर रहे हैं। शायद अब लोग अभी तक नहीं देखे होंगे, बट गाइस, अब लोग को ये फिल्म दिखना चाहिए क्योंकि बहुत दिन के बाद बॉलीवुड में एक अच्छा सा सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आ रहा है। मतलब बॉलीवुड का बैड टाइम था, इस फिल्म के जरिए कुछ गुड टाइम आ रहे। गाइस, इस फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने लीड एक्टिंग कर रहे। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म जब आप लोग देखोगे, मतलब ये मैं आप लोग को पहले ही बोल देता हूँ, मैं जब ये फिल्म देखने गया था, जब फर्स्ट टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन और सलमान खान का जो वैकपन फिल्म है उस फिल्म जैसा आप लोगों को कुछ लगेगा, बट गाइस वो नहीं है। गाइस, इस फिल्म में एक परफेक्ट मर्डर है। इस मर्डर मिस्ट्री को ढूंढना ही फिल्म का मेन स्टोरी है। फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते, बट विदेश में भेजने के लिए जो पैसे का जरूरत होता है वो पैसा कुछ बैंक से लोन लेते और एक गुंडे से कुछ कर्जा लेते हैं। अब ये लेने के बाद उस गुंडे ने जिस तरीके से इस फैमिली के ऊपर हावी हो गया, ये देखना मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। गाइस, अगर आप लोग अभी तक ये फिल्म नहीं देखे होंगे ना, तो फटाफट जाके थिएटर की टिकट लेके इस फिल्म को एक बार देख लेना, क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छे है। हाँ, फिल्म 2 घंटे के करीब है, बट हाँ, ये फिल्म 1.5 घंटे में ख़त्म हो सकते थे, बट फिर भी मैं कहूँगा अगर कुछ अच्छे स्क्रिप्ट, मतलब जो अच्छे ब्राउंड स्किप होते हैं, उस बाउंड स्किप जैसा इस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाया गया। वध फिल्म देख के आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बोलना। मैं आप लोगों को एक और बात भी बोल देता हूँ, संजय मिश्रा का जो परफॉर्मेंस, जो एक्टिंग परफॉर्मेंस, वो आप लोगों को एक सेकंड भी स्क्रीन से आपको आंखों को हटा नहीं सकते। आप लोग शायद कामयाब फिल्म तो देखे तो संजय मिश्रा का, उस फिल्म में भी संजय मिश्रा ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो जैसा, मतलब एक अलग ही कैरेक्टर है। अब वध फिल्म में संजय मिश्रा के आप लोग एक अलग ही कैरेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। एक मजबूर इंसान ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो कुछ भी करता है वो आप लोगों को इस फिल्म में मिलेगा। गाइस, ये भी सच है, ये फिल्म आप लोगों को कुछ दृश्यम जैसा भी लगेगा, बट ये दृश्यम जैसा नहीं है। आप लोग आराम से जाके ये फिल्म देख सकते हो। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का जो एक्टिंग परफॉर्मेंस वो आप लोगों को देख के ना मजा आ जाएगा, बस मजा आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय राम जी की।